सबसे ज्यादा नजरें जिस राज्य पर टिकी थी वो है जम्मू कश्मीर, क्योंकि 2014 के बाद अब वहां पर चुनाव होंगे 10 साल के बाद। 370 हटने के बाद केंद्र का पूरा दखल रहेगा, तो आने वाले समय मुझे लग रहा है कि जो सरकार बनेगी उसे प्रदेश के हित में काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा वहां चुनाव में जो राजनीतिक दल बनाएंगे वो होगा राज्य बहाली का मुद्दा, कि स्टेट हुड कैसे बहालो, क्यों, और भाजपा भी इस मुद्दे से किनारा नहीं कर सकती। 370 के बाद को हटाने के बाद वो भी एक मुद्दा है कि किस तरह से कहा ही जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अब वो जो बदली हैं वो जब वोटिंग होगी तो फिर देखा जाएगा कि उसमें कितना कुछ और असर हुआ है। तो हरियाणा में अलग अलग सीटों पे अलग अलग पैटर्न है। अब इनेलो और BSP ये दोनों मिल के लड़ रहे हैं। मूल बात हमारा यही है कि जम्मू कश्मीर का इस बार का जो चुनाव है उसमें देखा जाएगा कि वहाँ के लोग बुद्धों के रूप में क्या रिएक्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कितना होता है। और ये मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा कि जम्मू कश्मीर ने अब भारतीय लोकतंत्र को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट ही नहीं उससे उसको फायदे हुए हैं।